कैसा लगता है इकरा, फीडबैक? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे बहुत दफ़ा लोग बोलते हैं कि यार मतलब आपको, आप तंग नहीं हो जाते कभी आपके पास कोई आए पिक्चर के लिए या आपको ऐसे बार बार करे? मैंने कहा मैं बिल्कुल तंग नहीं होती. हाँ कभी कभी मेरा शायद पर्सनली मेरा कभी कोई ऐसा मूड चल रहा होता है, जैसे कुछ फैंस हैं जो मेरे पास आके बोलते हैं यार उनका तो बहुत ये था, उनका तो बहुत ये था. मैं बोलती हूँ इट्स ओके, क्योंकि वो भी इंसान है, उनकी अच्छा, भी पर्सनल लाइफ है आपकी बकायदा. वो बोल देते हैं ना, इंस्टेंटली आके बोल देते हैं आपने तो तस्वीर खिंचवा ली, उन्होंने तो ये किया. मैंने कहा क्योंकि उन वो शायद बेचारे किसी मसरूफ होंगे किसी चीज़ में इसलिए नहीं कर सके. बिकॉज आई नो आई एम एन एक्टर, मुझे पता है मैं नहीं किसी और को बताऊँगी कि दूसरे एक्टर की क्या पीछे माइंडसेट चल रहा हो सकता है. क्या पता वो किसी चीज़ में बिजी हो, मसरूफ़ हो. हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारी भी 10 चीज़ें हैं, हमें भी इतना कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि हम कभी कभी हो जाते हैं कि नहीं यार अभी नहीं करना, अभी नहीं करना. एक दो दफ़ा मैं भी कर देती हूँ, लेकिन फिर यासिर आता है, बोलता है क्यों किया तुमने, करवा लेती हैं एक, क्या मसला था तुम्हें. और फिर मुझे गिल्ट शुरू हो जाता है कि यार मतलब. बट हाँ कभी कभी इंसान का मूड ऑफ वैसे होता है यार, कोई और काम की टेंशन, घर की किसी बात की टेंशन, तो ऐसा नहीं कि हर वक्त आप खुश हो. बट मुझे अच्छा ये लगा कि एक खातून थी, उन्होंने कहा मेरी बहुत मेरी फेवरेट है, मुझे हर किसी के साथ अच्छी लगी है. फिर उन्होंने बोला एडवाइस की तो वो दुकान एडवाइस की दुकान है. ये मुझे समझ नहीं आई बात. मैं एक्चुअली बहुत देती हूँ एडवाइस, पता नहीं उनको कैसे उनको कैसे पता चल गया, पता नहीं कहीं उनको ही ना मैंने ये दे दी हो कभी किसी दिन तस्वीर के बदले में एडवाइस के. एक्टर का तो ये मसला चल रहा होता है. बट आई थिंक हाँ मैं बड़ा बोलती हूँ. इतने सारे लोगों में से एक खातून ऐसी थी, उन्होंने बोला मैं नहीं जानती. हाँ मैं नहीं जानती, वो आपने कट भी कर दिया फौरन. मैंने कहा मैं देखूं तो कौन है, मैंने कहा कोई मसला नहीं. लेकिन मैं ये बात मानना मेरे लिए मुश्किल होता है कि अगर कोई हमारी ऑडियंस में से वो लोग जो पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, एटलीस्ट वो तो आपको जानते होंगे. माशाल्लाह आपने इतना काम किया और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया. बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते. आपको लगता है आप जा रही होती हैं कहीं शॉपिंग करने, रास्ते में मिल गए कहीं लोग और वो रिएक्शन ना मिला हो जो शायद आप एक्सपेक्ट? मतलब बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब एक है परसेंटेज लोगों की जो नहीं जानते, वो ड्रामे नहीं देखते.